जब उधर उन साथी जो मैं बम ब्लास्ट हुआ तो उधर उनको लग गया दिमाग में और कान के पर्दे खराब हो चुके थे। तो हमने उनको उधमपुर लिया, उधमपुर से रेफर कर दिया जम्मू के लिए। उधर भी गए हम, उधर के चक्कर आया, उन्होंने दी दवाई, उन्होंने बोला 15 दिन के लिए दवाई दी है, इनको खिलवाना तो फिर टेस्ट करवाना हमें। तो घर आते थे वो घर बैठते नहीं थे, कहीं दुकान पे चले जाना, कहीं उधर चले जाना, कहीं बाड़ी में चले जाना, ऐसे ही घूमते रहना। उनको रात को आते थे और रात को देखते रहते थे, नींद नहीं आती थी उनको, ऐसे परेशान हो गए थे। डॉक्टर ने दी थी 15 दिन की दवाई। तो एक दिन ऐसा हुआ, उन्होंने ये सुबह लेके गया, चाचे का लड़का लेके गया छोटा जम्मू, उस दिन दवाई लेके आए। तो उधर शाम को घर में ठहरे बैठे थे, तो अभी सभी बैठे थे, हम भी घर में बैठे थे, हमें भी नहीं था पता, तो ठीक थे ऐसे फिरते थे। मगर हम डॉक्टर ने दी थी दवाई, बोलने लगे ठीक हो जाएंगे, इनका टेस्ट कराया करवाएंगे, तो इतना पता थोड़ी था हमें भी, ज़्यादा लगी है जान क्या आया क्या नहीं। तो चले गए, 10 मिनट का रास्ता था, तो उधर चले गए, उधर गिर चुके। तो उन्होंने दवाई दी, उन्होंने बोला बाद में आना या ठीक करवाएंगे, इनको दवाई दे दी हमें, तो इनका टेस्ट करवाएंगे, घर लेके जाओ, तो तब तक दवाई दी हमने। तो हमें यही निशा होना चाहिए, जो चाचे के लड़के हैं, जो चाची है, आप भी छोटे छोटे हैं, गरीब बंदे हैं, हम थोड़ी गवर्नमेंट से मदद करना चाहते हैं। मैं देसराय बीडीसी चेयरमैन ब्लॉक रामनगर, और ये गांव हमारा कुगोट पंचायत है। तो 1 अप्रैल जहां पिछले दौरान जो उधमपुर सलातिया चौक में बम ब्लास्ट हुआ था, तो उसमें काफी लोग जो इंजर्ड हुए थे, उसमें जे काकाराम जे भी उसमें था। तो जे अपने रामनगर चौक में जे काम करता था, रेडी जो सामान वाली है उस सामान आगे पीछे ले जाता था। तो जैसे जे रामनगर चौक से सलातिया तरफ चौक तरफ आ रहा था, तो इसने देखा वहाँ पे सलातिया चौक में इसके रिश्तेदार 3-4 लोग वहाँ पे खड़े हुए थे। जैसे इनके दो जो साले थे, इनकी साले की एक बेटी थी और इनके एक उसका जुआई था। तो उनका हाल चाल पूछने के लिए जे काकूराम वहां पे रुका, तो उनसे बातचीत कर रहा था। तो ठीक उसके 10 या 15 मिनट के बाद वहां पे ब्लास्ट हुआ, तो उसमें जो इसके साले का जुबाई था उसकी आंट स्पॉट वहां पे मौत हो गई। तो ये भी इंजर्ड हुआ था काकाराम, तो इसको हॉस्पिटल ले गए, सभी लोगों को हॉस्पिटल ले गए, 2 दिन वहां पे रहा। तो इसके जो कान के पर्दे थे ये खराब हो गए, और 2 दिन के बाद इसको उधमपुर से जम्मू रेफर किया गया। तो वहाँ पे डॉक्टरों ने देखा, वह 1 दिन वहाँ पे रखा और उसके बाद इसको घर भेज दिया और कहा कि आप दवाई खाते रहो, और 1 महीने तक या 15 दिन की दवाई इसको दी। फिर इसको 1 अप्रैल को वहाँ पे जम्मू में बुलाया। तो जैसे जम्मू में गया चेकअप करवाने के लिए, तो शाम को जो घर आया और 1 अप्रैल शाम को घर में खाना छाना खाया, और जे 12-1 बजे के करीब जो घर से लापता था। तो जे उस दिनों से जब से जे ब्लास्ट हुआ था, जे काफी परेशान था, और इसकी दिमागी जो हालत जे थी वो ठीक नहीं थी। तो हमें 1 अप्रैल 2 अप्रैल को जब इसका पता चला कि इसकी सब लोग इसको ढूंढने लगे, पूरे गांव के लोग इसको ढूंढने लगे, तो इसकी डेड बॉडी जो है जे कम से कम जहाँ से कोई 500 मीटर दूरी नाले में पड़ी थी। तो हम जे एलजी साहब से आपके माध्यम से जे गुजारिश करते हैं, और इन लोगों को कंपनसेशन मिलना चाहिए जिन लोगों की डेथ हो गई है।